अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सर अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में, जो कि एक यूएसए बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जो कि हमें बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी तीनों प्रोग्राम्स के लिए जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कॉलरशिप के लिए क्या डेडलाइन है, क्या जो है वो स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे जो है वो हमने अप्लाई कर। तो इस प्रोग्राम में जो है वो ऑल ओवर द यूएसए सभी यूनिवर्सिटीज जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। इसमें जो डेडलाइन है वो सभी स्कॉलरशिप के लिए जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो उसके लिए जो है वो 12 अप्रैल 2023 आपके लिए लास्ट डेट है। अगर आप इंडिया या दूसरी कंट्री से हैं तो वो आपको मैं आगे जाके बता दूंगा कि आपने जो है वो कैसे अपनी डेडलाइन चेक करनी है और कैसे जो है वो अप्लाई करना है। तो स्कॉलरशिप में जो है वो एप्लीकेशन फीस बिल्कुल जीरो है, मतलब कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं। तो एडवांटेजेस की बात करते चले तो आपको जो है वो जीरो ट्यूशन फीस होगी, बुक्स जो है वो भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, एयर टिकट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी अमेरिका जाने के लिए, उसके अलावा आपको जो है वो लिविंग एक्सपेंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, वीजा फीस भी आपको जो है वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू जो है वो पे की जाएगी, उसके अलावा आपको जो है वो एक कंप्यूटर भी दिया जाएगा और आपको जो है वो सेटलिंग अलाउंस भी दिए जाएंगे, मतलब कि जब आप अमेरिका जाएंगे आपको वहां सेटल होने के लिए जितने भी अखराज आएंगे वो भी आपको पे किए जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है वो 2024 में आपको 150 सीट्स जो है वो अवेलेबल हैं। नंबर ऑफ फील्ड्स की बात करते चले तो यहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट क्लिनिकल मेडिसिन के अलावा आपको जो है वो यहाँ पे सभी फील्ड्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है। अगर आप जो है वो एनर्जी, वाटर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट या क्लाइमेट चेंज की किसी भी डिसिप्लिन से है तो आपको जो है वो ज्यादा चांसेस है कि आपका जो है वो यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। अगर आप जो है वो करंटली इनरोल्ड स्टूडेंट हैं और आप जो है वो अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो आप दिसंबर 2023 से पहले पहले अगर आप अपनी डिग्री जो है वो सबमिट करवा सकते हैं तो फिर जो है वो आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें। नेक्स्ट चले तो इसके लिए अगर इंग्लिश टेस्ट की बात करें तो हमें जो है वो ग्री टेस्ट जो है वो हमसे मांगा जाएगा, जिसके लिए जो है वो मिनिमम 1, 4, 5 जो है वो स्कोर्स होना जरूरी है। तो बात करते चले कि जीआरई टेस्ट के अलावा क्या आपसे किसी और एग्जाम की जो है वो रिक्वायरमेंट है, तो आपको बताते चले कि स्कॉलरशिप के लिए जो है वो जस्ट जीआरई और टॉफल की ही जो है वो आपसे रिक्वायरमेंट की गई है, ठीक है। अगर आप बिजनेस एप्लीकेंट है तो आपको जो है वो ग्री टेस्ट देना पड़ेगा, अगर आपसे पूछा जाएगा तो मे बी आप जो है वो जीमेट का टेस्ट भी दे। इसी तरह से अगर आप फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री के एप्लीकेंट हैं, मतलब कि आप फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो फिर जो है वो आपको जीआरई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। मजे की बात एक ये कि यहाँ पे अगर आप जो है वो 290 स्कोर्स ले लेते हैं ग्री टेस्ट में अपने, अगर आप ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेज में हैं या अगर आप जो है इंजीनियरिंग या साइंस, अदर साइंस सब्जेक्ट में जा रहे हैं, तो अगर आप जो है वो 300 स्कोर्स जो है वो हासिल कर लेते हैं तो फिर जो है वो पहले 30 स्टूडेंट्स को जो है वो आपके टेस्ट की फीस जो है वो वापस कर दी जाएगी। तो इसके अलावा अगर वीजा की बात करें तो वीजा प्रोसेस में जो है वो आपको यूएससीईएफपी का जो इंस्टीट्यूट है वो आपकी हेल्प करेगी, ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी हेल्प करेगी वीजा हासिल करने के लिए, ठीक है। बाकी जितने भी फुल ब्राइट में स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्टेड होते हैं उन सबको जो है वो वीजा जो है वो इशू कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि स्टूडेंट जो है वो एडमिशन हासिल कर ले और फिर उनके बाद जो है वो उनको वीजा ना मिले। तो इसके साथ ही बात करते जाएं कि क्या जो है वो आप अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को लेकर जा सकते हैं, तो बिल्कुल आप जो है वो अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को लेकर जा सकते हैं। आपने जैसे जो है वो उनकी फाइनेंशियल एक्सपेंसिस की जो है वो क्लियर करना है कि जो आप जो है वो उनको अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आप अपने साथ अपने स्पाउस और जो है वो चिल्ड्रन जो कि आपके 21 की एज के अंडर हो आप उन्हें जो है वो अपने साथ लेके जा सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो उसके लिए जो है आप सबसे पहले जो है वो सभी एप्लीकेशन जो है वो डेडलाइन से पहले पहले जो है वो एक्सेप्ट की जाएंगी, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। उसके बाद सबसे पहला राउंड ये होगा कि आपकी जो है जिनकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी और मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी उन्हें जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है वो आपका इंटरव्यू होगा जो कि शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट का इंटरव्यू होगा जो कि जून या अगस्त के दरमियान हो जाएगा। उसके बाद जो फाइनल कैंडिडेट्स होंगे उन्हें जो है वो ईमेल के थ्रू और प्री एक्सेप्टेंस या प्री जो है वो एडमिशन लेटर के साथ जो है वो उनको आगाह कर दिया जाएगा कि उनकी जो है वो सिलेक्शन हो गई है, और जो स्टूडेंट सिलेक्टेड नहीं होंगे उन्हें जो है वो ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि आप लोगों की जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पाई। तो बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप पे जो है वो हमने अप्लाई कैसे करना है। तो ये हमारे पास जो है वो अप्लाई लिंक है, इसे जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सिंपली जो है वो इस लिंक को जो है वो गूगल में ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इस लिंक को जो है वो ओपन करेंगे आपके सामने जो है इस तरह से एक वेबसाइट का पेज आ जाएगा। आपने जो है वो क्लिक टू गो टू लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले जो वो आपसे पूछेगा कि आपने जो है वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आप जैसे ही सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल पर जाएंगे आपके सामने जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो गया आ जाएगा। आपने जो इस चैनल को विजिट कर लेना है, यहाँ पे डिफरेंट और भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियोज पड़ी है, ठीक है। आपने जो है वो उन्हें देख लेना और अपनी एप्लीकेशन को फिलआउट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सभी स्कॉलरशिप की जो है वो वीडियोज अवेलेबल है, ठीक है। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें उसके बाद इस पेज को बंद करें, उसके बाद जो है वो आप गेट योर लिंक पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा गो टू योर लिंक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो ओरिजिनल वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहां पे जो है वो आपने लॉग इन करके अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। तो ये हमारे सामने एक फुल ब्राइट फॉरेन स्टूडेंट प्रोग्राम की वेबसाइट है जहां पे जो है वो आपको बताया गया है कि आपने जो है वो कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट हूं, तो मैंने जैसे ही पाकिस्तान चूज किया तो यहाँ पे उसने मुझे बता दिया ये वेबसाइट है जिस पे जाके एज अ पाकिस्तानी मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर आप इंडिया से हैं तो आप सिंपली यहाँ पे इंडिया चूज कर लेंगे, अगर आप किसी भी और कंट्री से तो आप उसे चूज कर लेंगे। तो जैसे ही आप इंडिया चूज करेंगे यहाँ पे जो है वो आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा और आपको जो है वो वेबसाइट दे देगा कि इंडियन स्टूडेंट्स ने जो है वो इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। तो जैसे ही मैंने पाकिस्तान को चूज किया उन्होंने मुझे जो है वो ये वेबसाइट दी, मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया। यहाँ पे जो है वो आपके सामने स्कॉलरशिप के रिलेटेड सभी क्वेश्चंस और सभी डिटेल्स हैं कि आपने जो है वो कैसे स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे आपके सामने
सामने जो है ये फुल ब्राइट डिग्री प्रोग्राम आ गया। मैंने जो है यहाँ से ग्रेजुएट स्टूडेंट को जो है वो चूज किया है, जिसकी जो है वो करंट स्टेटस ओपन है। लास्ट डेट जो है वो यहाँ पे 12 अप्रैल 2023 है, ठीक है। अगर तो जो है वो आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट है तो आप जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो है वो ग्लोबल यू गार्ड पे जो है वो क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। तो ये जो प्रोग्राम है ये फिलहाल जो है वो क्लोज है। यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट थी वो 21 सितंबर 2022 थी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो जल्दी ही ओपन हो जाएगा, आपने जो है इस वेबसाइट को चेकआउट करते रहना है। तो जैसे ही मैंने जो है वो यहाँ से ग्रेजुएट स्टूडेंट को जो है वो ओपन किया, यहाँ पे जो है वो डिफरेंट और भी हैं। अगर आप मिड करियर प्रोफेशनल पे जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे है, अगर आप सीनियर स्कॉलरशिप के लिए जाते हैं तो आप जो है वो स्पेशलिस्ट प्रोग्राम या आप स्कॉलर प्रोग्राम में भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो कुछ डिटेल्स हैं कि आपने जो है वो मास्टर्स की डिग्री के लिए आपके पास बैचलर कंप्लीट होना चाहिए, पीएचडी के लिए आपके पास एमफिल कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे जो है वो कुछ आपको और डिटेल्स दी गई है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, हाउ टू अप्लाई जो है वो क्या है, और उसके अलावा अदर पार्टनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आप जो है वो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से जो है वो आपको फिर एक दफा आपको कंप्लीट डिटेल्स बताई गई है, उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप जो है वो अलग से फिर से इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे फिर से आपकी कुछ डिटेल्स है। एट द एंड आपको जो है वो स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप जो है वो इस वेबसाइट के थ्रू भी आ सकते हैं, यहाँ जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया था आप उसके थ्रू भी यहाँ पे जो है वो आ सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पे जो है वो आपको आपसे बोलेगा कि आप जो है वो अपना कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन करेंगे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे मैं स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा मुझे वो बोलेगा कि यहाँ पे जो है वो मैं अपना अकाउंट बनाऊं और इसे जो है वो लॉगिन करूं। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले आप अपने रजिस्ट्रेशन करेंगे, सबसे पहले अपना ईमेल लिखेंगे, कंफर्म करेंगे ईमेल को, देन अपना जो है वो सीएनआईसी लिखेंगे और उसके बाद जो है वो सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका जो है वो एक अकाउंट बन जाएगा। फिर जो है वो आपने गूगल पे जाके अपने जीमेल में जाके उस जो है वो ईमेल को एक्टिवेट करना और आपका जो है वो अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ही आप अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे उसके बाद जो है वो आपको फिर एक दफा ब्रीफ जो है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपने जो है वो किन डिटेल्स के साथ अपनी एप्लीकेशन को फिल करना है। सबसे पहले जो है वो आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है वो आपको एक सेक्शन दिया गया है जहाँ पे जो है वो आपके सभी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में आपको जो है वो बताया गया कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको यहाँ पे चाहिए होंगे, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे जो है वो साइड में आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट सभी जो है वो इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन सभी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपनी जो है वो अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपके से देखें आपके इंटरनेशनल इंग्लिश टेस्ट के बारे में पूछा गया है। जैसे ही आप अपनी सारी चीजें को कंप्लीट करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपको स्टार्ट एप्लीकेशन का बटन नजर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करें, उसके बाद जो है वो आप अपनी स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करें और आपकी जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस सारे पेज पे जो है वो आपको सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आपको एक और चीज बताई गई है कि आपने जो है वो अपनी रेफरीज के लिए क्या करना है। यहाँ से जो है वो आपने एक पेपर डाउनलोड करना है, उसके बाद जो है वो आप अपने जहाँ से आपने रिकमेंडेशन लेटर लिए या लेटर ऑफ रेफरेंस लिया उन टीचर्स को जो है वो आपने अपना ये लेटर भेजना है। उसके बाद वो इसे फिल आउट करेंगे और उसके बाद जो है वो उसे फिल आउट करने के बाद इस ईमेल एड्रेस पे जो है वो उन्हें मेल कर दें या फिर जो है वो आप उन्हें पोस्ट कर दें। तो पोस्ट करने के लिए यहाँ पे जो है ये एड्रेस दिया गया है, ठीक है। तो उसके अलावा आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेने के बाद उसे जो है वो सबमिट कर देना है और आपकी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जल्दी से अपनी एप्लीकेशन को फिल करें ताकि जो है वो आपकी जल्दी से जो है वो सिलेक्शन हो सके, इवैल्यूएशन आपकी एप्लीकेशन की हो सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।